इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अहमदाबाद जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद अली ने शनिवार को पुलिस एसटीएफ को चकमा देकर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। अली के खिलाफ करैली पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। पिछले साल दिसंबर में अतीक अहमद के रिश्तेदार जिशान ने अली समेत अन्य खिलाफ करैली थाने में रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला करने समेत कई संगीन धाराओं में FIR दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। अली वारदात के बाद से फरार था, जिसने आज कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। अंडर किया है लड़के ने, क्या है पूरा मामला? एक प्रकरण हुआ था, एक मुकदमा दर्ज हुआ था 31 दिसंबर 2021 को थाना करेली में, धारा 147, 148, 504, 506, 323, 307, 308, 386 IPC के अंतर्गत वादी ईशान ने मुकदमा दर्ज कराया था। यह कहते हुए कि उससे जो है रंगदारी मांगी गई और काफी गिरा दिया गया। इसमें श्री अतीक अहमद के पुत्र अली सहित करीब 8-9 लोग नामजद हुए थे, जिसमें से दो लोग को एंटीसिपेटरी बेल भी हाई कोर्ट में मिल गई थी। उसमें अली को जो है एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट ने जो है रिफ्यूज कर दिया और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी बेल डाली थी, लेकिन उसको हम लोगों ने बाद में वापस ले लिया। तो विड्रॉ करने के बाद आज उसी मुकदमे में अली ने जो है न्यायालय जेएम फोर्थ के न्यायालय में जो है सरेंडर किया, जहाँ से उन्हें न्यायिक वरिष्ठा में जेल भेजा जा रहा है। जहां कर्नाटक के सीएम ने योगी मॉडल कानून व्यवस्था को अपनाने की बात कही क्राइम कंट्रोल करने के लिए, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि भाजपा शासित राज्यों में ये हो रहा है तो अच्छी बात है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, इसमें कोई ऐसी चीज, अगर उत्तर प्रदेश में जो भी अच्छा काम हो रहा है तो भाजपा शासित जो भी राज्य हैं उसको अपनाते हैं या उसका अनुकरण करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुशासन के लिए, विकास के लिए, अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए कदम उठाए गए, उसकी सराहना हो रही है। हम लोग भी, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं और वो यूपी में पहले नहीं होते थे, तो हम लोग दूसरे राज्यों के कई मॉडल को उत्तर प्रदेश के अंदर भी लाते हैं, तो ये तो होना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। संगम नगरी प्रयागराज, कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार दुर्घटना की खबर आती है, ऐसे में प्रयागराज पुलिस के द्वारा कांवड़ यात्रा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो मंदिर शिवालयों की सुरक्षा की बात हो या फिर घाट की, और या फिर हाईवे पे आने जाने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएँ रखी गई हैं। जहाँ पुलिस के चाक चौबंद व्यवस्था है तो साथ ही ट्रैफिक पुलिस की भी व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है SSP प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं। अभी सावन का पवित्र माह चल रहा है और सोमवार के साथ साथ मंगलवार को श्रावण शिवरात्रि भी है, और इसको लेके काफ़ी संख्या में कांवड़िया बंधु जो है प्रयागराज से जल लेकर मुख्यतः बाबा विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए जाते हैं, उसके अलावा अन्य भी कई स्थानों पे कांवड़िया जाते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए घाट की सुरक्षा व्यवस्था, रूट की सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न शिवालयों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। इसमें जो डिप्लॉयमेंट है हमारा, वो सिविल पुलिस का, कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे PSC का, ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट है हमारी, साथ ही साथ जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको भी विशेष दिनों में, जैसे सोमवार या अन्य महत्वपूर्ण तिथियाँ होती हैं, उस पर हम अपने सिविल डिफेंस और अन्य हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनका भी सहयोग लेते हैं, और प्रशासन और पुलिस विभिन्न विभागों के साथ मिलकर इस पूरे मेला को शांतिपूर्ण तरीके से और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से खड़े करते हैं। देखिए, सभी शिवालयों पे जहाँ जहाँ भीड़ होती है वहाँ पे जो सिविल पुलिस में हमारा डिप्लॉयमेंट है वो पुरुष और महिलाओं दोनों का डिप्लॉयमेंट है, या कॉन्स्टेबल्स भी वहाँ पे डिप्लॉयड रहती हैं, सादे में भी हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है, जिससे कि किसी भी तरह की अभद्रता और अन्य कोई आपराधिक घटना वहाँ पे ना हो। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल ने आज विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के जन्मदिन पर उनको स्कूल के लिए लकी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब से वो हमारे स्कूल आए और उन्होंने हमारे स्कूल के छात्रों को प्रोत्साहित किया, उसके बाद से हमारे स्कूल के बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं और अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने साथ ही बधाई देते हुए क्या कुछ कहा है,
आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल का। वो विशेष रूप से हमारी युवा छात्र और छात्राओं के लिए एक आइडियल है और गर्ल्स हाई स्कूल के लिए तो बहुत ही लकी है क्योंकि जब वो हमारे स्कूल आए इस बार हमारे कार्यक्रम में और उन्होंने हमारी छात्राओं को उत्साहित किया तो इस वर्ष गर्ल्स हाई स्कूल ने एक इतिहास कायम किया है। हमारी चार बच्चियां जो है वो भारत में संपूर्ण भारत में रैंक प्रथम, दो बच्चियां सेकेंड रैंक और एक बच्ची थर्ड रैंक प्राप्त करी है और ये जो पोजीशंस मिली है ये प्रयागराज के लिए सम्मान है, गर्ल्स हाई स्कूल के लिए सम्मान है और हम उस इस उनके इस आशीर्वाद के लिए उनकी उपस्थिति के लिए बहुत ही आभारी है। गर्ल्स हाई स्कूल के परिवार की तरफ से, अपनी बच्चियों की तरफ से अपने विधायक जी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं, हमारी परमेश्वर से प्रार्थना रहेगी कि ईश्वर उनको लंबी आयु से आशीषित करे ताकि वो इसी प्रकार से हमारा नेतृत्व करते रहे। वो मेरा नाम विनीता इसुबियस है, मैं गर्ल्स हाई स्कूल और कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। संगम नगरी प्रयागराज जहां मांडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां मांडा पुलिस ने 30 जून को ईड व्यवसायी अनिल कुमार की हत्या का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से चाकू व 2450 रुपये, 3 मोबाइल बरामद किए हैं। बता दें अपराधियों ने हत्या के लिए फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन चाकू मंगाया था जिससे अनिल कुमार तिवारी की हत्या को अंजाम दिया था। जून को रात्रि में अनिल कुमार तिवारी नाम के व्यक्ति जो कि थाना मांडा क्षेत्र में अपने ट्रैक्टर से ईंट की डिलीवरी करके आ रहे थे और उसका जो पेमेंट है वो लेके आ रहे थे। रास्ते में 4 बदमाश जो मोटरसाइकिल सवार थे उन्होंने रोक के उनकी गाड़ी पे, जिसमें से 2 बदमाश उनकी गाड़ी पे चढ़े तथा उनसे कैश छीनने का प्रयास किया। रेसिस्टेंस पे उनके द्वारा चाकू से अनिल तिवारी के ऊपर हमला किया गया। वो फिर वहाँ से उतर के भागे परंतु जो अपराधी थे उनका कैश लूट कर वहाँ पे बाइक से वो फरार हो गए। जब घायल को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था रास्ते में उनकी मृत्यु होगी। अज्ञात के विरुद्ध धारा 302 394 में अभियोग पंजीकृत किया गया और इस घटना का अनावरण एक चैलेंज था परंतु पुलिस ने प्रोफेशनली अच्छा कार्य करते हुए एसपी यमुना पार के नेतृत्व में इस घटना का खुलासा किया और 4 अभियुक्त इसमें प्रकाश में आए जिनके नाम सचिन, गुलशन, लालचंद और आशीष बिंद हैं, जिसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके पास से कैश, घटना परिवृत्त चाकू और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। चाकू जो है उसमें से एक अभियुक्त जो गुलशन है उसने फ्लिपकार्ट के माध्यम से इसको मंगाया था और घटना के 2 दिन पहले ही इसकी डिलीवरी आई थी। अनावरण के उपरांत 3 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं। जो 4th अभियुक्त है उसकी तलाश है, जल्दी पुलिस टीम उसे भी गिरफ्तार करेगी, आगे की इसमें विधिक कार्रवाई रखेगी। क्या 4 लोग सर इसमें क्रिमिनल लिस्ट में 4 लोग? अभी जितना जनपद के रिकॉर्ड से पता किया गया है इनकी कोई क्रिमिनल लिस्ट नहीं निकली है। हम लोग अन्य जनपदों से भी इनका आपराधिक इतिहास पता करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज के मिनाजपुर डॉक्टर काटजू रोड पर आज जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, जहां नगर निगम के द्वारा आज बुलडोजर के साथ नगर निगम की टीम काटजू रोड पहुंची, जहां पर काटजू रोड सहित मिनाजपुर व अन्य क्षेत्रों में अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण हटवाया गया। बता दें जहां काटजू रोड चौड़ी सड़क पर कई सालों से बनी सड़क किनारे अवैध दुकानों को भी आज नगर निगम के बुलडोजर ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए जमींदोज कर दिया। बता दें नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ काटजू रोड पहुंची थी, जहां पर उसने आज अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की, जहां नगर निगम का बुलडोजर ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। बता दें ये नज़ारा है मिनाजपुर क्षेत्र का, जहां पर नगर निगम के द्वारा ये आज कार्रवाई की गई है, जहां नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल और जोनल अधिकारियों के साथ पहुंचे थे बुलडोजर लेकर, जहां पर अवैध दुकानें सड़क किनारे बनी हुई थी जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। मिनाजपुर के ये चौड़ी सड़क का नज़ारा है, जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने अवैध दुकानों को ढहा दिया है और जमींदोज कर दिया है, जहां लोगों की भारी भीड़ भी लगी रही तमाशा देखने के लिए, वहीं अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहे।
संगम नगरी प्रयागराज, जहां योगी सरकार ने अब पेट्रोल और डीजल के दाम पर वैट न लगाने का फैसला लिया है। ऐसे में अब लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। ऐसे में अब पेट्रोल डीजल के दाम पर वैट न लगने से सामान और भाड़े में भी कमी आएगी, और जिससे कि एक बार महंगाई की मार से लोग बचेंगे। ऐसे में जब जनता से बात की गई और उन पर इस पर उनका क्या कहना था और किस तरह से वो देखते हैं, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर जनता का। महंगाई तो वहीं की वहीं है, ठीक है, और सरकार जो भी नीतिगत फैसले ले रही है वो जनता की भलाई के लिए है, और बाकी अर्थव्यवस्थाओं में देखते हुए हम लोग की जनता के लोग ही हैं, जो कि अभी यहाँ जमीन पर ही देख रहे हैं, वो लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, तो उन लोग का जो फैसला है वो जनता की भलाई है। महंगाई कैसे क्या, आप हम तो स्टूडेंट हैं, कॉलेज तो पर डे ही जाना है, और जितना महीने का खर्च आता है आधा तो इसी में निकल जा रहा है, और आधे में खर्च चलाना पड़ता है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा कठिन है, बट फिर भी किसी तरह काम चला रहे हैं, बट सरकार से ही गुंजाइश है कि कुछ कम हो जाए। पर्चा बता दो, पर्चा अब है हमारे यहाँ, जनता को फायदा मिलेगा, महंगाई दर जो है वो कम हो जाएगी, सारी चीज़ों पर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन से ही सारी चीज़ें हैं, आयात निर्यात के खर्च कम हो जाएंगे, सारी चीज़ों का दाम गिर जाएगा। पर्चा बता दें, शैलेश प्रजापति, सुशीलावास। बहुत लंबा पड़ रहा है। सावन के महीने में हर कोई कांवड़ियों की सेवा कर रहा है, ऐसे में विजय ग्रुप ऑफ झूसी हॉकी एकेडमी के द्वारा आज कांवड़ यात्रा का स्वागत किया गया, साथ ही उनको प्रसाद वितरण किया गया, सड़क पर जा रहे कांवड़ियों को प्रसाद बांटा गया, तो साथ ही उनके लिए पीने के पानी व शरबत की व्यवस्था की, इस साथ ही कांवड़िया भी झूमते नजर आए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। क्या कुछ कहा है यहाँ पर, आइए सुनाते हैं। आदरणीय शिव नारायण यादव और जिला पंचायत के सौजन्य से व एवं खेल परिवार के सौजन्य आज झूसी में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है, बाबा शिव के आराध्य करते हुए बाबा शिव का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जाति धर्म मजहब से उठ के यहाँ पे कोई समुदाय नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, हर मजहब के लोग यहाँ कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं और सिवाय का स्वागत कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे, यहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम लगा हुआ है, यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है, और सभी कांवड़ियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और शिव के कहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में पूरी शांति और समृद्धि रहे और सभी लोग मिलजुल के रहें, इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय बोलते हुए सभी कांवड़ियों का बहुत बहुत आभार। सब लोग एक सहयोग करता हूँ, सब लोग एक सहयोग से सावन मास का एक भंडारे के रूप में प्रसाद के लिए प्रसाद किया जा रहा है, किया जा रहा है, नाम सुन रहा है यादव जिला पंचायत सदस्य। संगम नगरी प्रयागराज में आज विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का जन्मदिन मनाया गया, जहां उनके आवास पर भारी कार्यकर्ताओं की भीड़ का जनसैलाब उमड़ा, जिसमें वहां पर केक काट कर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों को खिलाया, और इस मौके पर उनकी लंबी आयु के लिए उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रार्थना की। अपने जन्मदिन के मौके पर क्या कुछ कहा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने, आइए सुनाते हैं आपको। सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको जन्मदिन की तहे दिल से मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे अपने जन्मदिन पर प्रयागवासियों को, देशवासियों को? सबसे पहले अनवर जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे विश करने के लिए, और मैं बस ये कहूँगा कि इतना प्यार मुझे आज मिला है कि ओवरवेल्म हो गया हूँ, एकदम दिल में इतनी खुशी बैठ गई है कि मैं एकदम नम हो चुका हूँ, और पूरे प्रयागराज से इतना प्यार हर वर्ग से जो मिला है, हर धर्म से, हर जाति से, हर आर्थिक लेवल्स के लोगों से, मिडिल क्लास, ईडब्ल्यूएस लोअर इनकम ग्रुप से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक, सभी वर्ग से, अधिकारियों से, चाहे वो मंदिर के पुरोहित हों, चाहे वो मस्जिद के इमाम हों, चाहे वो चर्च के प्रीस्ट हों, सब लोगों ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आज मुझे दी है कि एकदम दिल बाग बाग हो गया है, और मैं बस यही कहूँगा कि भगवान मुझे सही रास्ते पर रखे, बजरंग बली का भक्त हूँ, सही रास्ते पर रखे, कि आपका ये जो विश्वास है, ये जो प्यार है, जिसकी वजह से आप लोगों ने आज भी मुझे एकदम गदगद कर दिया, और विधानसभा में आपने एक नाम बना दिया मेरा कि सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वालों का विधायक इलाहाबाद उत्तरी का है, तो
यही बस कहूंगा ऊपर वाले से, ईश्वर से, कि सही रास्ते पे रखे और आपका जो ये विश्वास है ये कभी टूटने ना। धन्यवाद। हर सुबह जिलहज्जा की 30 शनिवार को माह मुहर्रम के चांद की तस्दीक हो गई है। इसी के साथ मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में हज़रत इमाम हुसैन सहित अन्य करबला के शहीदों की याद में लोगों में शोक मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इमाम बाड़ों में अलम ताबूत ताजिया तुर्बत हज़रत अली असगर का झूला आबिद बीमार का बिस्तर आदि सजा कर मजलिस मातम और गिरिया और जारी सिलसिला भी शुरू हो गया है। अंजुमन गुंजा कासमिया प्रवक्ता सैयद अस्करी के मुताबिक रविवार को मुहर्रम से 67 दिवसीय आज़ादारी के बाद शिया समुदाय में किसी प्रकार में मांगलिक आयोजन नहीं होंगे। माह मुहर्रम के चांद के दीदार के साथ आज़ादारी का दौर शुरू हो गया है। घरों में इमामबाड़ों में अलम भी नसब कर दिए गए, ताबूत और जरी वगैरह सजा कर रख दी गई। गिरिया और जारी का दौर शुरू हो गया। ये वो दौर है, ये वो दिन है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन और उनके खानवादे को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। उसी की याद में ये 2 महीना और 8 दिन तक लगातार गम का सिलसिला जारी रहेगा। इसी सिलसिले में लोगों ने गमजदा होकर मजलिस मातम का आगाज कर दिया है। घरों में स्याह परचम लाल हरे झंडे लगा दिए गए हैं। लोग सोगवार हैं, लोग औरतों ने अपनी सुहाग की चूड़ियों को तोड़ दिया है। काले लिबास वस्त्र धारण कर लोग सोगवार और सोग मना रहे हैं। मजलिस मातम कल पहली मुहर्रम है, पहली मुहर्रम से शुरू हो जाएगी और सारे शहर के तकरीबन सभी इमाम बाड़ों में मजलिस मातम का दौर रहेगा, जहाँ से जुलूस भी बरामद होंगे। कई जंजीरों का मातम होगा, शब्बेदारी होगी। ये गम का महीना है और ये 2 महीना और 8 दिन तक जारी रहेगा। संगम नगरी प्रयागराज जहां आज मुहर्रम का चांद हुआ है और ऐसे में जहां मुहर्रम का चांद होते ही जगह जगह इमाम बाड़ों पर ताजिया रखे गए और साथ ही मुहर्रम का चांद होते ही फातिहा दुरूद का और न्यास का दौर शुरू हो गया। जहां लोगों ने मिठाई पर फातिहा दिलाई तो कुछ लोगों ने दूध के शरबत पर फातिहा दिलाना शुरू किया। ऐसे में इमाम हुसैन की याद में हर साल मुहर्रम मनाया जाता है, तो वहीं मुहर्रम का चांद होते ही शाहगंज क्षेत्र से लल्लन नाई का जुलूस उठता है, जिसकी शुरुआत मुहर्रम की लल्लन नाई के जुलूस के साथ होती है। ऐसे में इमाम बाड़े पर आज लल्लन नाई के जुलूस से पहले फातिहा दुरूद कराई गई, जहां पर इमाम हुसैन के चाहने वाले पहुंचे और फूलों की माला चढ़ाई और फातिहा दुरूद न्याज के साथ इमाम हुसैन की याद में फातिहा खानी का आयोजन हुआ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।